वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं एक बेनती करन जा रहा हां तुहानू सारयां नू, जिहड़े भी इस दे नाल सहमत होण, उहनां नू चाहीदा है कि उह जरूर सोशल मीडिया दे उपर जां जिस भी ढंग तरीके दे नाल, क्योंकि फेसबुक है, ट्विटर है, वट्सएप है, जां होर बहुत सारे साडे कोल ढंग तरीके ने, यूट्यूब है, जिथे जाके असीं अपनी गल दुनिया तक पहुँचा सकते हैं। इस वक्त जदों असी लॉकडाउन ते करफ्यू के दरम्यान घर बंद आ, तो साडे अंदर नवे नवे सुझा नवीं नवी गल् जिहड़ियां ने वो असी एक दूजे नूं आदान प्रदान करते हैं, पर कुछ इस तरह के मसले ने जिसने साडे पंजाब नूं पूरी तरह बर्बाद करन दी एक नीति बनाई हुई है, वो है ड्रग माफिया। ड्रग माफिया के खिलाफ असी एकजुट जदों तक नहीं होवांगे उदों तक साडी पंजाब दी जवानी जिहड़ी बर्बाद होंदी रहेगी। इत्थे मैं कहनी चाहांगा कि कोई भी परिवार है, भावें वह जिन्ना मर्जी अमीर होवे, जे उसके घर दे विच कोई एक व्यक्ति भी नशा का शिकार हो गया तो वह घर जिहड़ा समझो बर्बाद हो गया। जिवें करोना वायरस है, जे एक व्यक्ति नूं वह करोना वायरस हो जाता तो वह जिहड़ा पॉजिटिव आ जाता है तो वह अगे तो अगे अगे तो अगे बहुत दूर तक फैल जाता है। इस करके अज सोशल डिस्टेंस, फिजिकल डिस्टेंस रखने वास्ते सरकारां ने करफ्यू लाया, लॉकडाउन लाया, लेकिन जिहड़ा ड्रग माफिया वो साडे पंजाब नूं बर्बाद कर रहा, साडी जवानी नूं बर्बाद कर रहा, साडे मापे परेशान ने, ते सारी दुनिया दे विच असी बदनाम हो रहे हैं। उड़ता पंजाब नां दीआं फिल्मां भी लोगों ने बना दित्तियां, तो मैं गल कहनी चाहुंदा जिथे पंजाब सरकार का फर्ज बनता है कि वह स्ट्रिक्टली पंजाब पुलिस बहुत ही सख्ती दे नाल जिहड़ा ड्रग माफिया है उसनू कंट्रोल करन लई हुण एक समां है। मैनूं इह लगदा है कि भावें 3 मई तक लॉकडाउन है, पर यह अगे भी वधाया जा सकता है। जिस तरीके दीआं खबरां आ रहीआं ने कि हर दिन केस जिहड़े वध रहे हैं, टैसट घट हो रहे हैं, जिवें जिवें टैसट हो रहे हैं उवें उवें पॉजिटिव केस जिहड़े उह वध रहे हैं। पूरी दुनिया दे विच ही तकरीबन 3 मिलियन तो ज़्यादा लोग जिहड़े आ इस टाइम बीमार ने करोना वायरस तो, ते तकरीबन 2 लाख तो उपर मौतां हो चुकियां ने। सो इन्हां हालातों के सानू दूरी मार पै रही है, असी आर्थिक तौर पर बड़े टुटे पए हैं, पंजाब के सिर के उत्ते करोड़ों रुपए का कर्जा, लेकिन इस दे नाल ही जिहड़ा नशे ने वह साडी जवानी जिहड़ा साडा आने वाला भविख है उसनू तबाह करी जा रहे हैं। आ पिछले दिन ही मेरे इलाके मखू दे विच जिहड़ा पिंड किली बोलना उत्थे एक नौजवान जिहड़ा ठिकरी पहरा दे रहा सी अपने साथियों के नाल, तो उन्होंने उपर ड्रग माफिया ने हमला किया, तो वह एक जज सिंह की मौके के उत्ते मौत हो गई और दूसरा जिहड़ा जगजीत सिंह नाम का नौजवान अजे भी जिहड़ा वह फट्टड़ है, तो घर उसनू हुण लै आंदा उहदा इलाज चल रहा। सो मैं गल कहनी चाहुंदा कि क्यों ना असी एक मुहिम शुरू करिए पंजाब दे विच, पिछले समय दे विच भी चली सी कि मैं पंजाब बोलदा, पंजाब की कह रहा है, पंजाब कह रहा है कि मैनू नशा तो मुक्त किया जाए। सो आओ साढ़े जिहड़े पंजाब दे यूथ नाल जिहड़े क्लब बने हुए ने, साढ़े नौजवान ने जिहड़े सोशल मीडिया दे उत्ते बैठे हुए ने, ते वो हर गल नू वाच रहे ने, ते टिकटॉक दे उत्ते बड़ियां हासे मजाक वालियां वीडियो आपां देखन नू मिलदियां, पर एक सीरीयस जिहड़ा मसला हैगा जिहड़ा गंभीरता नाल साडा ध्यान मंगदा उह हैगा पंजाब दे विच नशे जिहड़े आ ड्रग है उहनू जड़ों किवें खेड़ना। सो आपां अपने एक दिन का टैग ला के अपने मोढ़िया के उपर जां अपने सामने हाथ विच फड़ के कि मैं जो जज सिंह बोल रहा, तो जज सिंह की कह रहा कि भराओ किसी होर की जान ना जाए, मैं तुहाडे वास्ते जान दे के गया, तो हुण किसी होर की जान ना जाए, तो नशिया के सौदागरां नूं ठल पा लो। तो मैं उन्हां ड्रग माफिया नूं भी गल कहनी चाहुंदा कि तुसीं भावें करोड़ां रुपए दीआं जायदादां बनाईआं ने, लेकिन जिस जवानी नूं तुसीं तबाह करन वास्ते ये सारा कुछ कर रहे हो, एक दिन तुहाडा अंजाम जिहड़ा है वो जेल है। तुसीं आप तां मरना ही मरना, लेकिन तुसीं अपने परिवारां नूं भी कलंकित कर रहे हो। सो नशियां दे मारू रुझान तों साडा पंजाब किवें बचे, इस वास्ते मेरी पंजाब पुलिस नूं भी, पंजाब सरकार नूं भी, ते उन्हां सारियां समाज सेवी संस्थावां नूं, ते उन्हां सारियां राजनीतिक पार्टियां नूं एक दर्द भरी निम्रता सहित पी ले। उन्हां मावां नूं जाके देखो, उन्हां भैणां नूं देखो, उन्हां विधवावां नूं देखो,
जिन्हां दे पुत जिहड़े आ उहनां दी अखां दे सामने, जिन्हां दे पति उहनां दी अखां दे सामने, जिन्हां दे भरा उहनां दे अखां दे सामने इस दुनिया दे उत्तों तड़प तड़प के चले गए ने, अपनी मौत आप गल लाउण वास्ते ओवरडोज होए ने। सो इस पासे सानूं ध्यान देण दी लोड़ है। हर एक अज अपने आप नूं जज सिंह बन के पेश करे और नशियां दे विरुद्ध एक दीवार खड़ी कीती जावे, हूमन दीवार जिहड़ी है, ਉਹ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਨਸ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਔਰ ਮੈਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਵ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਓ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਵਿਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦਲਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਆਪਸੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਬਤਾ ਬਣੇ ਪਬਲਿਕ ਦਾ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਔਰ ਮੀਡੀਆ ਦਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਮਾਰੂ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।